रूट्स टू रूट्स की हिंदुस्तानी वोकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विवेक भोला और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राग बागेश्वरी। राग बागेश्वरी के बारे में हम पहले आपको बताएंगे, उसके बाद इसका आरोह और पकड़ बताएंगे, फिर इस राग में आज हम एक सरगम गीत करेंगे। सरगम गीत होता है जो राग की सरगम में निबद्ध होता है। निबद्ध यानी कि जो बंधा हुआ है उसको बोलते हैं। मतलब अब जैसे जो भी कोई बंदिश होती हैं या फिर सरगम गीत, लक्षण गीत, ये सब होते हैं, वो ताल के अंदर बंधे हुए होते हैं, तो निबद्ध गान इसको मतलब बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो राग बागेश्वरी है वो काफ़ी थाट के अंतर्गत आता है। थाट यानी कि एक वर्गीकरण की विधि है जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने बनाई थी, जिसमें कि 10 थाट होते हैं, तो उसी में से एक थाट है काफ़ी। और इस थाट की विशेषता ये है कि इस थाट के अंदर गंधार और निषाद जो है वो कोमल होते हैं। तो इसके अंदर ऐसे रागों को रखा गया है जिनके गंधार और निषाद जो है वो कोमल है। तो हमारा आज का जो राग है, राग बागेश्वरी, इसके अंदर भी गंधार और निषाद ये दोनों कोमल लगाए जाते हैं, इसलिए इसको इस थाट के अंदर रखा गया है। तो इसका थाट है काफ़ी। अब इसका वादी सुर ले लेते हैं। वादी सुर क्या होता है? वादी सुर होता है जो कि किसी राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला जो स्वर होता है उसको बोलते हैं वादी सुर। तो हमारे जो ये आज का राग है बागेश्वरी, इसके अंदर मध्यम सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो मैं बता रहा था राग बागेश्वरी का जो वादी सुर है वो होता है मध्यम, जो कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है किसी राग में, उसको वादी सुर कहते हैं। उसके बाद आता है समवादी सुर। समवादी सुर होता है जो वादी सुर के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, वो समवादी सुर होता है। और बागेश्वरी में जो समवादी सुर है वो है षडज। षडज यानी सा, ठीक है। तो वादी सुर मध्यम और समवादी सुर षडज। अब इसके आरोह में ऋषभ और पंचम वर्जित होते हैं, मतलब तो जाते समय रे नहीं लगाते हम इस राग में, और पंचम भी नहीं लगाते। आते समय इसमें सारे सातों सुर लगाए जाते हैं और ग और नी जो है इस राग में कोमल लगाए जाते हैं, ठीक है। बाकी सारे स्वर जो हैं वो शुद्ध हैं, ग और नी कोमल, बाकी सारे स्वर शुद्ध। और आरोह में यानी कि ऊपर चढ़ते क्रम में इस राग में ऋषभ और पंचम वर्जित है। आते समय इसमें पंचम लगाया जाता है और जाते समय भी कभी कभी पंचम का प्रयोग किया जाता है। तो इसको इसीलिए मतलब हमेशा नहीं प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अगर हम इसमें जाएंगे तो सागा मध निशा ऐसे करके जाते हैं, सागा मापध निशा ऐसे तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इसमें वक्र रूप में जो है पंचम का प्रयोग आरोह में भी कभी कभी किया, जैसे मापदा मगा ऐसे किया जाता है कभी कभी, जो इसकी पकड़ में भी आएगा मापदा मगा इस तरीके से पंचम लिया जाता है इसमें। तो थोड़ा सा इसमें जो है इसको इसकी जो जाति है उसको हम षाढ़व वक्र संपूर्ण भी कह सकते हैं। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको अभी आरोह और अवरोह जब हम वो करेंगे तब, कि किस तरीके से ये जो स्वर हैं वो लगाए जाते हैं। बाकी इस राग का जो गायन समय है वो है रात्रि का द्वितीय प्रहर। रात के समय द्वितीय प्रहर में ये राग गाया जाता है, ठीक है। और इसका थाट काफ़ी है, वादी स्वर मध्यम, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, थाट काफ़ी है, वादी स्वर मध्यम है, संवादी सुर षडज है, आरोह में ऋषभ और पंचम ऐसे नहीं लगाए जाते, ऋषभ नहीं लगाया जाता, पंचम फिर भी लगा लेते हैं इसमें जाते समय, लेकिन वक्र रूप से लगाते हैं, सीधा जब हम जाएंगे तब नहीं लगाएंगे, वक्र रूप से पंचम का प्रयोग भी इसमें आरोह में किया जाता है।
और अवरोह में भी पंचम लगाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में कर्ण के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, तो जाति इसकी षाढ़व संपूर्ण हो गई इसीलिए। और गायन समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर। ठीक है, अब हम इसका आरोह अवरोह देखते हैं। पहले आपको बताते हैं कि आरोह अवरोह किस तरीके से। और एक चीज़ और, बाकी जब हम राग गाते हैं जैसे भूपाली, देस, दुर्गा, खमाज, भैरव, तब इसके अंदर हम जो है सा और प लगाते हैं हारमोनियम पे। सा और प ये लगा कर गाते हैं, या फिर तानपुरे पर भी षड्ज पंचम भाव रहता है, जिसको कि षड्ज ग्राम भी बोलते हैं। लेकिन अवरोह में, मतलब इस राग में, बागेश्वरी राग में, हम सा और म लगा कर गाते हैं। सा इसमें जो है मध्यम ग्राम का प्रयोग किया जाता है, मतलब सा और म ये स्वर लगाकर हम जो है ये राग गाएंगे। ठीक है, तो इसका पहले मैं आपको आरोह अवरोह बता देता हूँ किस प्रकार है। तो इसका आरोह है सा म ग, ग कोमल लगता है इसमें, सा ग म। अब माँ पर ठहर भी सकते हैं क्योंकि वो वादी सुर है और न्यास का सुर भी है। न्यास यानी कि जिस स्वर पर हम ठहर सकते हैं, जैसे वादी सुर पे ज़्यादातर न्यास होता है और षड्ज पर भी होते हैं। सा म ग म धन्ये सा। अब इसका नी भी जो है वो भी कोमल है, सा ग म धन्ये सा, ये इसका आरोह हो गया। और अवरोह देखते हैं अब, सा नी ध धामा। अभी जो हमने धामा करा, ध पमा, हल्का सा प इसके अंदर लगेगा, धामा ध पमा। अब मा प ध, अब ये जो जा रहा है ये आरोही पंचम जा रहा है, मा प ध म ग, मा प ध मा प ध मा ग रे सा। फिर से देखते हैं इसका आरोह अवरोह, देखिए किस किस तरीके से, सा ग म धन्ये सा, ये आरोह हो गया। और लिख लीजिए आप। ठीक है, सा नी ध प मा प ध म ग रे ग म ग रे सा। इसमें हमने बोला कि वैसे ऋषभ लगाया नहीं जाता है, लेकिन रे ग म ग रे सा इसमें जाता है। रे ग म ग रे सा, तो ये कुछ राग की विशेषताएं हैं कि इस प्रकार से ये होता है। कुछ कुछ इसमें विवाद भी होते हैं, जैसे किसी किसी राग में कुछ कुछ स्वरों पर विवाद भी होते हैं कि भाई ये लगाया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं लगाया जाता। कुछ विद्वान बोलते हैं कि इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है और कुछ कहते हैं कि नहीं किया जाता, तो इसलिए अलग अलग मत हो सकते हैं किसी किसी रागों में। ठीक है, तो फिर से एक बार और बताता हूँ आपको, आरोह अवरोह ध्यान से देखिए, सा म ग म धन्ये सा नी ध प मा प ध म ग रे सा। अब इसकी पकड़ बताते हैं। पकड़ क्या होता है, जो किसी राग को गाने से पकड़ में आ जाता है, स्वर मतलब स्वर समूह को गाने से जब राग पकड़ में आ जाता है तो उसको बोलते हैं उस राग की पकड़। अब किसी राग में अनेकों पकड़ हो सकती हैं, लेकिन अभी मैं आपको जैसे एक इसकी पकड़ बताता हूँ, तो वह है सा नी सा मा
फिर से सा सा रे सा मा मा प र म ग रे ग म ग रे सा। इस राग की पकड़ है सा रे नी सा मा मा प र म ग रे ग म ग रे सा। ये आरोह और पकड़ हो गया इस राग का। अब हम आपको बताते हैं कि इस राग का जो चलन है वो किस प्रकार है और इसका प्रारंभिक आलाप। पहले हम इसका प्रारंभिक आलाप गाएंगे, उसके बाद फिर उसी में हम जो है सरगम गीत गाएंगे। हमारे जो सरगम गीत है, सरगम गीत क्या होता है, जो कि सरगम से बना हुआ गीत हो उसको बोलते हैं सरगम गीत। तो इसमें एक स्थाई है और एक अंतरा है, जो कि नवी मात्रा से तीन ताल में, तीन ताल जो कि 16 मात्रा की ताल है उसमें खाली से नवी मात्रा से शुरू होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सा शुरू करते हैं। नी द म ग रे सा ध नी सा म ग म ध नी द म ग रे सा ध नी सा म ग म ध नी
राम गर सर नि सा ग म ध नि द नि स रे स नि द म नि द म ग रे स नि द नि स रे स नि द म नि द म ग रे स नि द म ग रे स द नि सा म ग म ध नि द म ग रे स द नि सा म ग म ध नि द नि स रे स नि द म नि द म ग रे स नि द नि स रे स नि द म नि द म ग रे स नि द म ग रे स द नि सा म ग म ध नि द म ग रे स द नि सा द नि द सा द नि सा र नि नि सा नि द नि नि द सा नि द म ग रे सा द नि सा म ग म ध ग ग ग ग रे म सा ग म म म प द म ग ग म ध द द नि द नि द ग नि द म प द म ग रे ग म ग रे सा नि द म ग रे सा द नि सा म ग म ध द नि सा ग म ध द ग द ग नि 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 द ग म ध नि नि द सा नि सा नि द ग म ध नि सा नि sa ni sa re sa ni sa ni da ga ma da ni sa ga ma da ni sa ni sa ni sa re sa ni sa ni da ga ma da ni sa ni sa a ga ma dha ni sa ni sa ni sa re sa ni sa ni da dha ni sa ma re sa ni da ma ga ma dha dha ni sa ma re sa ni da ma ga ma dha ni da ma ga re sa dha ni sa ma ga ma dha ni da ni sa re sa ni da म नि द म ग रे सा नि द म ग रे सा द नि सा म ग म ध नि द नि सा रे सा नि द म नि द म ग रे सा नि द म ग रे सा द नि सा म ग म ध
ये जो है इसमें से हमारे सरगम गीत इसका एक स्थाई है और एक अंतरा है। बीच बीच में मैंने कुछ आलाप भी लिए, इस तरीके से आप आलाप भी ले सकते हैं अगर चाहें तो, स्वर में या आकार में दोनों में ही ले सकते हैं आप आलाप, और चाहें तो और भी इसमें और भी कुछ किया जा सकता है, जैसे ताने वगैरह भी ले सकते हैं इसमें, जो कि अभी मैंने नहीं लिए हैं। अभी सिर्फ आपको इसकी बंदिश बताना जो है वो मेन मकसद था आज का। तो ये जो सरगम गीत है इसका एक स्थाई है और एक अंतरा है। स्थाई दो लाइनों का है और अंतरा भी दो लाइनों का है, तो जो कि दोनों ही मैंने आपको गा के सुनाया। पहला जो स्थाई है वो नी ध म ग रे सा ध नी सा म ग म ध, ये पहली लाइन है। फिर आगे सेकंड लाइन नी ध नी सा रे सा नी ध म नी ध म ग रे सा। फिर अंतरा है ग म ध नी सा रे सा नी सा नी ध। फिर सेकंड लाइन अंतरे की ध नी सा म ग रे सा नी ध म ग म ध। ये पूरा जो है आज का हमारा सरगम गीत है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे ही विराम देते हैं, हम समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार और सबको बाय बाय।